हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्रॉप फॉर यूरोप। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि इंडिया से जो है यूरोप में जो है किस टाइप के क्रॉप जाया करते थे और क्यों जाया करते थे, तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, अभी तक हमने क्या जाना है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है इंडिया से क्या खरीदते थे, बहुत सस्ते दामों में जो है प्रोडक्ट्स खरीदते थे और साथ में जो टैक्स भी कलेक्ट करते थे क्योंकि उनके पास जो है दीवानी राइट आ गया था। तो ये तो करते ही थे। अब ब्रिटिशर्स जो है ट्रेडिंग पर्पज से इंडिया को देखते थे, ठीक है, वो ट्रेड करने के पर्पज से देखते थे कि हम लोग जो है इंडिया में एक तरह से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो वो तो जो है रेवेन्यू भी लेते थे। ठीक है, ऊपर से बहुत सस्ते दामों में क्या करते थे, तमाम प्रोडक्ट्स खरीदते थे। अब साथ में उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग को अगर इंडिया में और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए जो है हम लोग को क्रॉप्स भी ग्रो करवाना होगा इंडिया में। ठीक है, और क्रॉप्स को हम लोग इंडिया में ग्रो कराएंगे जो कि यूरोप में जो है ज्यादा रिक्वायर्ड हो, और उसी क्रॉप को जो हम लोग यूरोप में जाके बेच देंगे। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने सोचा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का मोटिव क्या था, इंडिया में आने का मोटिव था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट लेना। तो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, उनका पैसा, उसका जो है पैसे मिलता था ब्रिटिशर्स को, साथ में जो है सस्ते दामों पे जो है सारे सामान भी ले जाते थे, उसका भी जो है उनको अलग प्रॉफिट होता था। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो है इंडिया में क्रॉप्स भी ग्रो करवाएंगे, ठीक है, और उसका भी जो है हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वही सोचा कि जो कंट्री साइड यानी कि जो विलेजेस वाला जो एरिया है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे या फिर जो है कुछ चीज को जो है खरीदेंगे नहीं, ठीक है, साथ में क्या करेंगे, क्रॉप्स को भी ग्रो करवाएंगे। ठीक है, और उस क्रॉप को ग्रो करवाएंगे जो कि यूरोप में जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, यानी कि जो यूरोप है तो वहां पर जो है ज्यादा उस क्रॉप का डिमांड है, उस क्रॉप से जो है ज्यादा यूरोप में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये सब जो है ब्रिटिशर्स ने सोचा अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, उसके बाद लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्होंने जो है कल्टिवेशन को जो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अधिकतर ओपियम और इंडिगो का जो है कल्टिवेशन कराया करते थे। ठीक है, तो ओपियम क्या होता है, ओपियम से जो है तमाम वैसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि नशीले होते हैं। ठीक है, और इंडिगो क्या होता है, जो इंडिगो जो है डार्क ब्लू से कलर बनता है जो कि कपड़ों को जो है कलर देने में जो यूज में आता है। ठीक है, तो ये जो है अधिकतर इन्होंने जो क्रॉप्स को ग्रो करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, और यूरोप में जो है यही क्रॉप जो है ज्यादा रिक्वायर्ड थे और भी बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया। अदर क्रॉप्स की हम बात करें तो उस क्रॉप को जो उस जगह पे ग्रो करवाना स्टार्ट किया जिस क्रॉप का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो उस जगह पे सुइटेबल हो, जैसे कि जूट। ठीक है, तो जूट जो है बंगाल में उन्होंने जो ग्रो करवाना स्टार्ट किया, असम में जो है टी ग्रो करवाना स्टार्ट किया क्योंकि असम में जो क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ के जो टी है तो वहाँ पर जो है आज भी जो टी प्लांटेशन जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो टी जो है असम में उन्होंने ग्रो करवाना स्टार्ट किया। फिर शुगर कैन जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो है ग्रो कराना स्टार्ट किया। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो हम लोग का प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश है, तो उसका पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, तो शुगर कैन जो है कहाँ पे उन्होंने ग्रो करवाना स्टार्ट किया, यूनाइटेड प्रोविंसेस में यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद फिर वीट जो है कहाँ पे ग्रो करवाना स्टार्ट किया, पंजाब में। ठीक है, पंजाब का क्लाइमेट ही ऐसा है तो वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से वीट ग्रो हो पाएगा। उसके बाद फिर कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है, इन दोनों जगह पे जो है कॉटन को जो है ग्रो करवाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर राइस जो है, तो राइस को जो है मद्रास में ग्रो करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सारे तो क्रॉप्स है, ये जो है ब्रिटिशर्स ने जो है क्या कि जो ग्रो कराना स्टार्ट किया। अब ये क्या करते थे, जो इंडियन फार्मर्स थे इनको तो ये बोला करते थे कि आप इस टाइप के जो क्रॉप्स को ग्रो करें, तो कुछ फार्मर मान भी जाते थे उनकी बात, ठीक है, और कुछ फार्मर नहीं मानते थे, तो वो जो ब्रिटिशर है वो जो उनको प्रेसराइज करते थे जो उस क्रॉप्स को जो ग्रो करवाना। ठीक है, अब बाद में हम जानेंगे कि कुछ फार्मर मना क्यों करते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी क्रॉप्स थे जो कि अगर कहीं भी लगा दे रहे हम लोग, ठीक है, तो वो जो लैंड है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये हम जानते जाएंगे अपने आगे के वीडियोस में। तो इस सब चीजों को करने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी फार्मर से बोल देंगे कि हाँ आप इस क्रॉप को ग्रो करो तो वो क्रॉप ग्रो कर देगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो है तमाम मेथड्स अपनाए। ठीक है, तो अब ये सब जो क्रॉप्स को ग्रो क्यों किया कि जो यूरोप की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उनके अंदर ये सारे रॉ मटेरियल जाए, उसके बाद फिर यूरोप से जो तमाम प्रोडक्ट्स बने और वो जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है
सप्लाई हुआ, ठीक है। तो इसमें इनका मोटिव था प्रॉफिट कमाने का, तो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। खास करके हम बात करें कंट्री साइड की, क्योंकि अभी जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो क्या है, रूलिंग द कंट्री साइड, कि ब्रिटिशर्स ने जो है कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में जो है कैसे रूल करना स्टार्ट किया। तो अभी आपको जो है हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जो है कंट्री साइड में जो है यानी कि विलेजेस में जो है रूल करते थे। एक तो तमाम सिस्टम लेके आए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर सके वो कि क्रॉप्स को जो यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए फार्मर से, कल्टिवेटर से, ठीक है। उसके बाद फिर रेवेन्यू तो लेते ही थे साथ में, जैसे क्योंकि अब क्या हुआ उनको दिवाली राइट मिली तो टैक्स मतलब टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सस्ते दामों में जो है किसी भी फार्मर से जो है क्या करते थे, या फिर किसी भी पीजन से क्या करते थे, या फिर आर्टिसियन से जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट करते, क्रॉप्स भी ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है उनको और ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा जो है क्या करना चाहते थे, प्रॉफिट लेना चाहते थे। तो ये सारे तमाम चीज किए, क्रॉप्स को ग्रो इसलिए करवाया कि जो यूरोप की इंडस्ट्रीज है तो उसमें जो ये रॉ मटेरियल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूरोप में क्या होता है कि ज्यादातर ठंड पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यूरोप कहाँ पे आता है, टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है। तो वहां पर जो कुछ क्रॉप जो है ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए जो है वो इंडिया में क्रॉप्स को ग्रो करवा देते थे, और उसके बाद फिर उसी क्रॉप्स को जो है कहाँ पे सप्लाई कर देते थे, यूरोप में। अब यूरोप में जो इंडस्ट्रीज थे उसमें से जो तमाम प्रोडक्ट बनते थे और वो जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई होते थे। तो ये सब जो है देख लिया हमने कि क्रॉप्स को जो है ग्रो कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कलर है, ठीक है, तो क्या कलर की भी जो हिस्ट्री है, क्योंकि इंडिगो जैसे कि हम बात करें तो इंडिगो से क्या होता है, इंडिगो से जो कलर प्रोड्यूस होता है जो डार्क ब्लू कलर होता है, वो जो पहले जो कपड़े में जो डार्क ब्लू कलर जो यूज किया जाता था वो जो कलर कहा जाता था, इंडिगो, जो कि एक क्रॉप है। तो ये हम जानेंगे कि कलर की क्या हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कलर, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें ये जानना था कि सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे तो कंट्री साइड में वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं क्या करते थे, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा नहीं करते थे, साथ में जो क्रॉप्स को भी ग्रो करवाया करते थे वो भी तमाम मेथड से। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।